हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग स्टडी स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। रिसेंटली मैंने आपको पब्लिक वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप साइंटिफिक प्राइस सेक्शन के नाम से कहीं भी सर्च मत करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वही अथेंटिक है, क्योंकि कोई भी किसी के नाम पर कुछ भी बना सकता है। आजकल मैक्सिमम लोग फ्रॉड ही करते हैं। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहीं से आप ज्वाइन करिए। मैंने रिसेंटली वहाँ पर नेचुरल गैस बताया था, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20% वहाँ से ऊपर हो गया। उसी से रिलेट काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, सर नेचुरल गैस के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर कुछ बता दीजिए, हम करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं एक सेटअप्स आपको कमोडिटी से लेकर के बता रहा हूँ नेचुरल गैस के ऊपर, कि वो इवनिंग आफ्टरनून में कैसे काम करता है, इवनिंग में कैसे काम करता है, प्राइस कैसे वर्क करता है उसके अंदर, और कैसे प्राइस रिवर्स होता है। तो इस बेसिस पे उसको फॉलो करेंगे और अपना रिस्क मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। एज ए बिगनर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो जीरो से लेकर एंड तक देखिए, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इन डिटेल अगर सीक्वेंस में सीखना है, आप पब्लिक वाले टेलीग्राम में जाकर के देखते हैं कि XAUSD या फिर गोल्ड, जितने भी मैं लेवल्स बताऊँ, टेक्निकल एनालिसिस बताऊँ, वो डॉट टू डॉट काम करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आता चीज़ें। तो आप भी वो सब चीज़ें सीख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम लगा कर, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, प्योर प्राइस एक्शन, चार ट्रेडिंग स्किल्स। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, हर 2 महीने में बैच कर सकते हैं, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कुछ सवालों के हम जवाब ले लेते हैं स्ट्रेटेजी को समझने से पहले। क्या ये स्ट्रेटेजी रेगुलरली वर्किंग? यस, डेफिनेटली रेगुलरली, एवरी डे इट इज वर्किंग। क्या हम 3 से 4 हज़ार रुपये मिनिमम टू मिनिमम क्या हम नेचुरल गैस से पर डे बना सकते हैं विद 30-40,000 के कैपिटल से? बिल्कुल बना सकते हैं। कोई इंडिकेटर का रिक्वायरमेंट है? नहीं है, सिंगल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन है, समझना है, ठीक है। ज्यादा नॉलेज नहीं है, चलेगा, ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस लग जाए, कोई रिवर्स या रिवर्स ट्रेंड करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं लगेगा अगर आपने प्रॉपर जो बोला गया वो फॉलो किया तो। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। जब इतना इंटरेस्टिंग है तो समझ लेते हैं एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, सब चीजें कैसे करते हैं। मोर देन 98% एक्यूरेसी है और साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप सीखेंगे तो इंडिपेंडेंट बनेंगे बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन में, इस स्ट्रेटेजी में प्राइस एक्शन कैसे वर्किंग करता है, प्राइस एक्शन कैसे सपोर्टिंग है, मींस प्राइस एक्शन सपोर्ट करता भी है या नहीं भी करता, ठीक है, यही समझते हैं। तो स्ट्रेटेजी में करना क्या है, प्राइस एक्शन जो समझना है, स्ट्रेटेजी में करना ये है, वो स्क्रीन पे हम समझते हैं कि हमें 9 बजे की जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, 9 बजे की जो कैंडल है उस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और 1:30 बजे, मींस 1:50, 1:50 पे एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ करनी है, तो आपका एक टाइम जोन में प्राइस आ जाएगा, एक आपका एक रेंज के अंदर आ जाएगा कि आपका इतने बजे के बीच में आपका प्राइस मूवमेंट था। तो प्राइस एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, जैसे कि आपका कैंडल्स बनाता है, कैंडल्स का एक बिहेवियर, वैसे ही आपका एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा। उस हाई एंड लो को मार्क नहीं करना है, बहुत सारे सोचेंगे कि मार्क करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको ओनली ऑन क्या करना है कि जस्ट आपको 2 वर्टिकल 9 बजे लेकर 1:50 तक ड्रॉ करनी है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। बाकी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चार्ट पे चलते हैं और सारे पॉइंट टू पॉइंट में आपको हर एक डाउट्स के साथ क्लियर करते हैं और बहुत बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, समझते हैं और चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलने से पहले समझ लेते हैं कि आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यूज करने हैं वो डायनेमिक वाले यूज करने, मीन्स ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, हायर हाई बनाता तो असेंडिंग एंड लोअर लो बनाता तो डिसेंडिंग रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमें वो ही चाहिए, ओनली 2 स्विंग्स को लेकर के और हमें वर्टिकल लाइंस को लेकर के रेंज चाहिए, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। चलिए हम चार्ट पे आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 बजे की कैंडल जो है और 1:50 की कैंडल को मार्क करेंगे और एक जोन में हम डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आपका ये एक आपका प्राइस का जोन बन गया। 1:50 की जो कैंडल है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें जस्ट आपके 2 स्विंग को मिला करके असेंडिंग या डिसेंडिंग रेजिस्टेंस, मींस आपका प्राइस अगर हायर हाई बनाएगा तो ये आपके 2 स्विंग्स को मिला करके एक असेंडिंग आपके सपोर्ट्स है। अगर प्राइस इस तरीके से लोअर लो बनाएगा तो 2 स्विंग्स को मिला के आपकी डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है। इस तरीके से जस्ट 2 स्विंग्स आपको कनेक्ट करना है, ट्रेंड लाइन हो चाहे आपका चैनल लाइन हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट काम पूरा हो गया। दूसरा, हम जस्ट 2 स्विंग्स को कनेक्ट करेंगे। देखिए 2 स्विंग्स को हमने कनेक्ट किया, ओके, ये ओके। दूसरा, इधर से आपका 2 स्विंग्स अगर देखेंगे तो आपका एक ये हाई है और एक आपका ये हाई है, ये आपका ट्रेंड लाइन चैनल है, दोनों से कुछ भी बने, ठीक है। तो
इधर देखेंगे आपका प्राइस का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ये जो आपका कैंडल, ये जो छोटी छोटी जो कैंडल बने, आपको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, इट इज रीटेस्ट, मींस प्राइस 15 मिनट सॉरी आपका 30 मिनट आपका यहाँ रुका, क्योंकि बिकॉज ऑफ 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये रीटेस्ट हुआ, ठीक है, रीटेस्ट हुआ। और उसके बाद देखिए आपका 1:2 का टारगेट रख दीजिए, आपका टारगेट आ गया। एक ही ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड कैसे करना है, जो मैंने क्रूड ऑयल वाली जो स्ट्रेटेजी बताई थी आपको, क्रूड ऑयल वाली, उस क्रूड ऑयल वाली स्ट्रेटेजी को देखिए, वो स्ट्रेटेजी आपका सेम ऐसे ही नेचुरल गैस पे वर्क करेगी इवनिंग सेशन में, आफ्टर, ये आपकी स्ट्रेटेजी आफ्टरनून सेशन की है, ठीक है, इवनिंग सेशन की वो स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, वो नेचुरल गैस पे भी वर्किंग है, गोल्ड पे भी वर्किंग है, आपका सिल्वर पे, मींस निकल एवरीथिंग, वो प्राइस एक्शन यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, वो वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आपका सेकंड हाफ की, और ये आपका नेचुरल गैस के लिए स्पेशली मैंने 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम बताया, क्रूड ऑयल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम है आगे आने वाले वीडियो में सेपरेट स्ट्रेटेजी बना के आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपका इस तरीके से हो गया, तो आपको एक अच्छा टारगेट्स मिल गया। इस दिन को हम बंद कर देते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन हम जितनी भी बनाई डिलीट कर देते हैं, अगले दिन चलते हैं, ठीक है। तो अगले दिन चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26-27 को जाते हैं, हम क्या करेंगे, 9 बजे कैंडल कौन सी है देखते हैं, 9 बजे कैंडल ये, और 1:50 की कैंडल कौन सी है, ये है, ठीक है, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे मार्क कर देंगे, ठीक है, हमने वर्टिकल लाइंस मार्क कर दी। अब क्या, 2 स्विंग्स मिला गए, एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है आपका, ओके, ठीक है, इधर से कोई स्विंग्स मिल रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये स्विंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको एंट्री जो है 1:50 से पहले करनी नहीं है, ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं तब तक, तो प्राइस से ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट पे आपको एंट्री मिली नहीं, बच गए। और उसके बाद देखिए रिटेस्ट हुआ, एंट्री मिली, क्या आपका 1:2 नहीं आ गया, फर्स्ट क्वांटिटी मींस आप 2 लॉट पे काम करिए, फर्स्ट टारगेट जो है आप 1:2 रखिए, रिमेनिंग को ट्रेल करिए, क्योंकि आपको उसमें 1:10 1:20 बड़ा बड़ा मिल जाता है, जब आपके बड़े मूवमेंट्स आते हैं तो रिस्क रिवार्ड आपका फेवरेबल होता है। इस दिन भी चले गए, चलिए ठीक है, ये डिलीट कर देता है पुराना। अब 28 को आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, प्राइस को ट्रेड करने के लिए इतना तामझाम नहीं लगाना होता, बिल्कुल आपका प्राइस को ट्रेड करने के लिए आपको सिंपलिसिटी चाहिए, जितना सिंपल रखेंगे ट्रेडिंग सिस्टम को उतना ही आपको फायदेमंद रहेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत है, सिंगल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, सेम 1:50 पे हम ये आ गया मार्क कर दिया, ठीक है, चलिए ठीक है, 2 स्विंग्स करते हैं, देखते हैं कौन से 2 स्विंग्स कनेक्ट हो रहे हैं, इस बार तो दूसरे मिल ही नहीं रहे हमें, इस बार तो यही कनेक्ट हो रहे हैं, देखा जाए तो, अगर ये देखा जाए तो ये, ठीक है, जस्ट आपको 2 स्विंग्स चाहिए, बाकी रूल्स भूल जाइए, ज्यादा रूल्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्किंग है इस तरीके से, ठीक है। तो आपका ये इधर था, ठीक है, अब देखिए प्राइस का आपका ब्रेकआउट हुआ, आप खुद देख लीजिए, ब्रेकआउट के बाद प्राइस का रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद प्राइस बूम 1:2 नहीं, इसमें तो 1:10 भी आ गया, ठीक है। छोटा सा एक कैंडल का एसएल रहेगा, टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी लेकिन बहुत पावरफुल है, ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको शेयर करता हूँ कि प्राइस इतना ही सिंपल चलता है, प्राइस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हम बना देते हैं उसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कि प्राइस आपका हायर हाई बनता है, ऐसे हायर हाई बनता है, एवरी हाई के ऊपर सोचते हैं ब्रेकआउट, 95% ये इट इज नॉट ए ब्रेकआउट, 95% ये रिट्रेस करेगा, 5% ब्रेकआउट है, तो 5% जो ब्रेकआउट होता है उसको 95% आप ब्रेकआउट समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइस आपका रिट्रेसमेंट होता है। तो सेम एवरी हाई इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट बुकिंग, नॉट ए ब्रेकआउट, जब भी प्राइस आपका हायर हाई बनाए, आपका लोअर लो बनाए, इट इज नॉट ए एंट्री एंट्री जोन, इट इज ओनली प्रॉफिट बुकिंग जोन, 95% 5 टाइम ब्रेकआउट होते हैं, और अब 95% गवाओगे, 5% तो कमाने की बचेगी नहीं, हिम्मत भी नहीं बचेगी। तो प्राइस बिल्कुल सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगले दिन चलते हैं, क्या हमने जो बोला वो रेगुलर सही हो रहा है, बिल्कुल 9 बजे से लेकर के 1:50 तक फिर हमने मार्क करते मार्क कर दिया, ठीक है, चलो हम 2 स्विंग्स को कनेक्ट कर देते हैं, ये वाले 2 स्विंग्स हुए, ये आपके प्रॉपर 2 स्विंग्स को अगर हमने कनेक्ट किया तो ये 2 स्विंग्स कनेक्ट हो गए, क्योंकि कैंडल ये क्लोज हुई ना, उससे पहले यही स्विंग बना था, तो ठीक है, ये आपका इधर ब्रेकआउट हुआ और ये रिटेस्ट हो गया, आप देख लीजिए बूम प्राइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत है, एक ही कैंडल का एसएल रहेगा, टारगेट आपका बहुत बड़ा रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होते हैं कि प्राइस का इधर इस जोन का ब्रेकडाउन हो गया और प्राइस यहाँ पे सेल कर रहा है, प्राइस तो उल्टा चला गया, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। नेक्स्ट डे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे हमने अगेन मार्क किया 150, ठीक है,
टू स्विंग्स ही है, देख लीजिए टू स्विंग्स ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट टारगेट देख लीजिए 90 डिग्री का मूव मिला। 1:2 से तो ज्यादा हमेशा मिनिमम, मैं आपको बोलो 1:2 पहले अगर आप पहले इस पे प्रैक्टिस करिए, समझिए बिहेवियर को, कुछ भी डाउट आता कमेंट बॉक्स में बताइए, तो अगर आपके जो कुछ प्रॉब्लम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें इंप्रूवमेंट कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किसी को भी एक फालतू तो एक रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लर्निंग करनी पड़ेगी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी मैं उन सब लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप सब लोग एटलीस्ट गैम्बलिंग तो ना करें आप, क्योंकि मार्केट को तो ट्रेड तो एक्चुअल में इंडिपेंडेंसी तो तभी आएगी जब आप पूरा सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक स्ट्रेटेजी सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको एंट्री भी करनी चाहिए, आनी चाहिए, एग्जिट भी करना आना चाहिए, आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने आने चाहिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करने आने चाहिए, मार्केट से की एरिया फिल मीन आपको कंप्लीट सीखना पड़ेगा, आधा अधूरे से कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगले दिन देखते हैं, ये आप लोगों को सेव करने के लिए मैं स्ट्रेटेजी डाल रहा हूं। 1:50 देखते हैं, देखिए 1:50, ठीक है। टू स्विंग्स देखिए, या ये तो यहां से कनेक्ट हुए बट ये भी तो कनेक्ट हो रहा है, ये हमने बनाया, ये हमने डिलीट कर दिया। टू स्विंग्स ही बोला था मैंने, टू स्विंग्स ब्रेकडाउन नहीं करना, रिटेस्ट करने दीजिए। कंफर्म रिटेस्ट के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, आ गया 1:2, ज्यादा ही आ गया, ठीक है। अगले दिन देख लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। 3 तारीख को आ जाते हैं, किसी अगर प्रॉपर तरीके से समझ के करोगे तो किसी भी दिन ऐसा नहीं लगेगा। नॉर्मली मैंने नहीं देखा कि ऐसा लगता हो, अगर आपने जल्दबाजी कर दी हो, प्रॉपर रिटेस्ट नहीं करने दिया, प्रॉपर एंट्री नहीं करी, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। प्रॉपर तरीके से अगर समझ के किया, एंट्री करी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगेन देखिए क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन अगर आपकी कनेक्ट होती है, रिटेस्ट पे एंट्री 1:2 आ गया, ये एक ही कैंडल का एसएल रहता है, 1:2 आपका आ गया। इवन आपको दूसरी बार भी ट्रेड मिला है बट इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको एक ही ट्रेड लेना, दूसरी बार ट्रेड नहीं लेना। दूसरा ट्रेड जो लेना है वो क्रूड ऑयल वाली स्ट्रेटेजी प्रॉपर समझ लीजिए, सेम आप नेचुरल गैस में 10 मिनट का टाइम फ्रेम करके, क्रूड ऑयल में 5 मिनट का, नेचुरल गैस में 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप सेम करके देखिए, ठीक है, वो सेम रिजल्ट आएगा, वो यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी भी आपका बाकी स्क्रिप्ट पे वर्किंग करेगी बट टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए 4 तारीख को चल देते हैं, 4 तारीख को क्या होता है, 1:50 में, ठीक है। तो खुद देख लीजिए, टू स्विंग्स आपके ये हैं, और देखिए क्या ब्रेकआउट रिटेस्ट बूम। तो इस तरीके से आप पुराना डेटा बैक टेस्ट करिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप ट्रेंड लाइंस को, टू स्विंग्स को ड्रॉ करने में ही गलती करेंगे। मींस आपको आप कभी चैनल लाइन ट्रेंड लाइन आप गलत ड्रॉ कर देंगे, स्विंग्स गलत कनेक्ट कर लेंगे, बट हमेशा आप ध्यान में रखिए ये जो जोन है, ये जो जोन, इस जोन और एटलीस्ट आपका शाम का 6 से 8 जो आपका 6 बजे से लेकर आपको 12 बजे तक चलता है वो जोन, उसी जोन के ऊपर जो स्विंग्स मिलते हैं उनके ऊपर ही फोकस करना है। उससे क्या होगा, आप ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो ट्रेंड कंटिन्यूस होता है, ट्रेंड कंटिन्यूस का आपको बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से समझ के करेंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर समझिए, कुछ भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर लाइव मार्केट में आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे सीख सकते हैं, अगर सीट्स अवेलेबल होगी तो सिखा पाएंगे, नहीं तो वेटिंग पीरियड है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।